हम ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं मीन्स इनके लिए आपको कोई भी पेमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं ये सबके लिए फ्री होते हैं आप फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्जेस दैट इज़ वाई वी विल डिस्कस अबाउट देम एंड हेयर फाइल एक्सटेंशन आर ऑल्सो गिवन मीन्स जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसकी कुछ एक्सटेंशन होती है तो अगर आप एक डॉक्यूमेंट ओपन ऑफिस राइटर में सेव करेंगे तो एक्सटेंशन होगी डॉट ओ डी टी इन केस ऑफ कैल्क इट विल बी डॉट ओ डी एस एंड इन केस ऑफ इम्प्रेस इट विल बी डॉट ओ डी पी स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी इनफॉर्म यू मैंने पहले भी इस यूनिट को आपको डिटेल में पढ़ा चुका है एंड जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है इस प्लेलिस्ट में आपको इस पूरी यूनिट की हर डिटेल्ड वीडियो मिलेगी मींस ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि मैंने उन वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है मैंने सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं बट बिकॉज दिस इज़ वन शॉट वीडियो एंड दिस यूनिट इज ऑफ नाइन्टी एट पेजेस सो यहाँ पर मैं डिटेल में कवर नहीं करूँगी सिलेबस को क्योंकि उससे वन शॉट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि नाइन्टी एट पेजेस को डिटेल में वन शॉट वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता एंड किया भी जाएगा तो वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो इसलिए अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखनी है सो so प्लीज आप प्लेलिस्ट के लिंक पर जाइए एंड अगर आपको वन शॉट वीडियो देखनी है जस्ट एक रिकैप करना है समरी करनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग अस हैव अ लुक ऑन द एक्सरसाइजेस हेयर वी आर गिवन डिफरेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर आप पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि आपको क्या क्वेश्चंस गिवन है तो आपको इजी रहता है ये समझने में कि आपको कौन से पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है कौन सा पार्ट आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है

वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स की क्रिएशन के लिए यूज़ होता है इसकी हेल्प से हम एक डॉक्यूमेंट को एडिट फॉर्मेट एंड प्रिंट कर सकते हैं पिक्चर्स एंड टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं देन इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओपन ऑफिस राइटर विच इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है जैसा मैंने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट ओपन ऑफिस राइटर दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन सो इट कैन बी आस्ड सो इधर यू कैन गो टू स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन प्रोग्राम्स एंड देन सेलेक्ट ओपन ऑफिस या फिर आप ओपन ऑफिस आइकन पर डबल क्लिक कर सकते हैं जो कि डेस्क टॉप पर अवेलेबल होगा एंड ओपन ऑफिस राइटर विल ओपन अप देन ऐसी स्क्रीन शो होगी यहाँ पर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं स्क्रीन के जैसे कि टैब रूलर बार स्टेटस बार स्क्रॉल बार वर्क एरिया और इन सभी के बारे में आपको ये जो लाइंस लिखी हैं बेसिक लाइंस हैं कि इनका यूज़ क्या है जैसे कि टैब्स के, के केस में हम किसी भी टैब पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है एंड हमें वेरियस कमांड शो होती हैं रूलर बार के, के केस में इंडेंटेशन एंड मार्जिन सेट कर सकते हैं स्टेटस बार के, के केस में हमें करंट ओपन डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है देन स्क्रॉल बार के केस में हम डॉक्यूमेंट में स्क्रॉलिंग कर सकते हैं एंड वर्क एरिया वो एरिया होता है जहां पर हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं एंड जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो इंसर्ट करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन ऑफ स्क्रीन एंड इट्स कम्पोनेट्स फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन कैन बी आस्ड दैट वॉट आर दी टास्क ऑफ द राइटर टैब्स सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टैब्स अवेलेबल हैं इस फिगर में टैब्स गलत शोन है आई थिंक ये आईसी स्किल से कॉपी कर लिए है इमेज इस वजह से ये गलत है आप ओपन ऑफिस राइटर के स्क्रीन की स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट टैब्स अवेलेबल हैं फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टेबल टूल्स विंडो हेल्प सो दीज आर द बेसिक टैब्स एंड इनका क्या क्या वर्क होता है फाइल टैब में आपको बेसिक कमांड्स मिलती हैं जैसे कि ओपन क्लोज सेव न्यू देन एडिट के केस में जब आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी एडिटिंग करनी है कट कॉपी पेस्ट तो उसके लिए आप एडिट टैब यूज करते हैं व्यू टैब मीन्स आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिस्प्ले होगा क्या क्या चीज़ व्यू होंगी वो सब व्यू टैब में कंट्रोल होता है देन इंसर्ट टैब मीन्स आपको कोई भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब यूज करेंगे फॉर्मेट टैब का यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं मीन्स जैसा आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है उसकी अपेयरेंस को चेंज करने के लिए आप फॉर्मेट टैब का यूज़ करते हैं देन टूल्स टैब में आपको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं लाइक स्पेल चेक वर्ड काउंट इन सब से आपके डॉक्यूमेंट को और बेटर बनाया जा सकता है देन टेबल टैब्स मीन्स इसमें हम टेबल से रिलेटेड कमांड्स देखते हैं जैसे कि इंसर्ट एडिट डिलीट टेबल देन विंडो टैब हेयर यू कैन सी द वेरियस विंडोज़ यू कैन न्यू एंड क्लोज न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं एंड जो एग्जिस्टिंग विंडो है उसको क्लोज कर सकते हैं ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं इसके बाद हमें सभी टैब्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है उनकी सभी कमांड्स के बारे में डिस्कस करना है सो so, हम टैब्स के नेम पढ़ेंगे एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू को देखते हुए कमांड्स को डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज फाइल टैब हेयर यू कैन सी दिस इज द ड्रॉप डाउन मेन्यू मीन्स जब आप फाइल टैप पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको शो हो जाता है यहाँ पर जो बेसिक कमांड्स आपको हाईलाइट की हुई हैं यही बेसिक कमांड्स आपको याद करनी है जैसे कि न्यू ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट्स क्लोज सेव सेवैज क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइजेस में दैट वॉट इज द डिफरेंस बिट्वीन सेव एंड सेवैज सो सेव आप तब यूज करेंगे जबकि वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पहले से सेव्ड है बस जो भी आपने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हैं वो आपको सेव करनी है उस केस में आप यूज करते हैं सेव ऑप्शन बट अगर आप एक डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हैं तो आपको सेव एज ऑप्शन यूज करना है या फिर अगर आप एक ऐसे डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी सेव्ड है बट आप उसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप सेव एज ऑप्शन यूज कर सकते हैं एंड उसको न्यू नेम न्यू लोकेशन दे सकते हैं देन पेज प्रिव्यू मीन्स जब आपको एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है बट प्रिंट करने से पहले चेक करना है कि वो कैसा दिखेगा तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं पेज प्रिव्यू ऑप्शन यूजिंग द प्रिंट ऑप्शन यू कैन प्रिंट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड इन प्रिंटर सेटिंग्स आप प्रिंटर की सेटिंग्स एडिट कर सकते हैं प्रिंटिंग से पहले एंड इन दिस एग्जिट ऑप्शन यू कैन एग्जिट ओपन ऑफिस राइटर जो सबसे ऊपर क्लोज ऑप्शन शो हो रहा है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को जो आपने करंटली ओपन किया हुआ है सिर्फ उसको क्लोज करने के लिए यूज़ होगा बट एग्जिट ऑप्शन ओपन ऑफिस राइटर पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए यूज़ होगा आपको वो सभी कमांड्स मिलती है आप current document में editing कर सकते हैं कट कॉपी रीडू ये सभी चेंजेस आप करूमेंट में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिट टैब और आपको कुछ भी एडिटिंग करने से पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा प्लीज इस बात को याद रखिएगा आपको सबसे पहले क्या करना है टेक्स्ट सेलेक्ट करना है फिर आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट देन गो टू एडिट टैब एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यू वांट टू चूज अगर आपको टेक्स्ट मूव करना है है मूव एंड एंड के बीच डिफरेंस होता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है सो so, मूव करने का मतलब होता है कि आप ओरिजिनल लोकेशन से टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे एंड एक न्यू लोकेशन पर ट्रांसफर कर देंगे बट इन केस ऑफ कॉपी टेक्स्ट आप टेक्स्ट को ओरिजिनल लोकेशन एंड न्यू लोकेशन दोनों पर अवेलेबल करा देते हैं सो इन केस ऑफ मूव टेक्स्ट आप कौन सी कमांड्स यूज करते हैं कट एंड पेस्ट एंड इन केस ऑफ कॉपी टेक्स्ट यू यूज कॉपी एंड पेस्ट आई होप आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको अगर डिफरेंस लिखने के लिए बोला जाता है तो आप इनका यूज़ भी लिखेंगे कि मूव टेक्स्ट से क्या होता है एंड कॉपी टेक्स्ट से क्या होता है एंड इनके लिए क्या कमांड्स है वो भी आपको लिखनी होंगी देन द नेक्स्ट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन जब भी आपको डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड फाइंड करना है उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है तो आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को यूज़ करते हैं यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है एंड इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर यूज़ करते हुए आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज व्यू टैब इस टैब की हेल्प से आप कंट्रोल करते हैं कि आपको कौन सा कंपोनेंट ओपन ऑफिस राइटर स्क्रीन पर शो करना है और कौन सा नहीं जैसा कि आप व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर हो जाएगा तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया हुआ है जिसके आगे आपको चेक दिखाई दे रहा है तो वो कंपोनेंट आपको स्क्रीन पर शो होगा और अगर आप उसे अनसेलेक्ट कर देते हैं अनचेक कर देते हैं तो वो ऑप्शन शो नहीं होता है एंड जैसे कि थर्ड ऑप्शन है टूल्स बार तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक और ड्रॉपडाउन मेन्यू अपेयर होगा एंड वहाँ पर भी आप अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अनसेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अपनी स्क्रीन पर चाहिए उस अकॉर्डिंग

क्योंकि अगर आपका कर्सर कहीं और प्लेस्ड है तो एलिमेंट भी वहीं पर इंसर्ट होगा सो so, आपको कर्सर की पोजीशन का ध्यान रखना है एंड उसके बाद ही आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है व्हेन यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपेयर एंड हेयर यू कैन सी वेरियस एलिमेंट्स आर अवेलेबल यू कैन इंसर्ट एनी ऑफ देम एंड जरूरी नहीं है कि आपने क्लिक किया तो वो एकदम इंसर्ट हो जाएगा हो सकता है कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो वहां पर आपको कुछ ऑप्शन चूज करने हो एंड फिर आप प्रोसीड करें सो दिस इज हाउ वी हैव टू इंसर्ट टैब देर आर वेरियस एलिमेंट्स दैट वी कैन इंसर्ट लाइक हेडर फुटर फील्ड्स हाइपर लिंक टेबल ऑफ कंटेंट टेबल फॉर्मूला ऑल दीज थिंग्स कैन बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग इन सर्ट टैब नेक्स्ट इज फॉर्मेट टैब जब आपको अपने डॉक्यूमेंट की अपेयरेंस को चेंज करना है तब आप फॉर्मेटिंग करते हैं सो इसके लिए आप फॉर्मेट टैब का यूज करते हैं वेन यू क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब देन दिस ड्रॉप डाउन वेन यू विल अपेयर एंड हेयर यू कैन सेलेक्ट द वेरियस ऑप्शन बट फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है सो फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड उसके बाद आप फॉर्मेट टैब पर जाएंगे एंड जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है एंड वहां पर आपको ऑप्शन चूज करके आगे प्रोसीड करना होता है सो द वेरियस ऑप्शन दैट आर अवेलेबल इन फॉर्मेट टैब आर कैरेक्टर पैराग्राफ बुलेट्स एंड नंबरिंग्स पेज चेंज ऑफ टेक्स्ट चेंज नंबर ऑफ कॉलम्स अलाइनमेंट चेंज केस ऑल ऑप्शन टैब जब भी आपको टेबल इंसर्ट करनी है या फिर टेबल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप टेबल टैब का यूज करेंगे इंसर्ट टैब में भी ये ऑप्शन अवेलेबल था बट इंसर्ट टैब के केस में आप सिर्फ टेबल इंसर्ट कर सकते हैं बाकी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते इंसर्ट टैब में टेबल से रिलेटेड सो so वो सभी ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होंगे टेबल टैब में अवेलेबल होंगे सो so यहाँ पर आप टेबल इंसर्ट भी कर सकते हैं डिलीट सेलेक्ट यू कैन परफॉर्म ऑल दीज ऑप्शन ऑल दीज ऑपरेशन ऑन द टेबल यूजिंग द टेबल टैब एंड हेयर आर द वेरियस ऑप्शन जब भी आप कोई टेबल इंसर्ट करेंगे तो एक टेबल टूल बार अपेयर हो जाता है जैसे कि यहाँ पर शोन है एंड इसकी हेल्प से आप वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड एक मेजर मेन ऑपरेशन जो आपको याद रखना है दैट इज कन्वर्ट टेबल टू टेक्सट और टेक्स्ट टू टेबल मीन्स सपोज कीजिए आपने टेबल बना लिया है बट अब आप चाहते हैं कि वो टेबल के फॉर्म में ना दिखे वो सिर्फ टेक्स्ट रहे या फिर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट टाइप किया था बट आप, आप चाहते हैं कि वो टेबल की फॉर्म में दिखे तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज टूल्स टैब इस टैब में आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिनकी हेल्प से आपके डॉक्यूमेंट को और बेटर बनाया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग एंड ग्रामर सपोज कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे एरर्स हैं तो अगर आपके पास एक ऐसा टूल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जिसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं स्पेलिंग एरर्स ग्रामर एरर्स एंड उनको करेक्ट भी कर सकते हैं सो so उस केस में आपका डॉक्यूमेंट बेटर बन जाएगा सो so इसलिए हमें टूल्स टैब यूज़ करना चाहिए इसमें जो मेन टू ऑपरेशन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर एंड द नेक्स्ट इज़ फाइन नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं ये एरो गलत लगाया हुआ है ये एक्चुअली वर्ड काउंट के लिए है एंड वर्ड काउंट यूज होता है नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करने के लिए सो दिस इज रॉन्ग प्लीज टेक केयर ऑफ इट सो हेयर दीज आर द टू ऑप्शंस एंड जब भी आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली ऑप्शंस फ़िल करने होते हैं स्पेल चेक है तो आपको ऑलरेडी डिस्प्लेड होगा कि क्या क्या एरर्स हैं और उनको किस तरह करेक्ट करना है वो सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ये सभी ऑप्शन हमने आई स्किल्स में डिटेल में डिस्कस किए थे इग्नोर वंस इग्नोर ऑल एड चेंज ऑल वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज ऑप्शन इन आई स्किल्स इफ़ यू रिमेंबर नाउ लेटेस्ट प्रोसीड अट नेक्स्ट इज विंडोजैब हेयर इन विंडो टैब यू विल सी थ्री बेसिक ऑप्शन फर्स्ट इज न्यू विंडो मीन्स जब आपको कोई न्यू विंडो ओपन करनी है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं क्लोज विंडो मीन्स कोई विंडो ओपन है बट आपको उसे क्लोज करना है तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे एंड सबसे नीचे आपको शो होगा कि कौन कौन सी विंडोज़ इस टाइम पर ओपन है तो वो सभी यहाँ पर डिस्प्ले होंगी ये विंडो टैब का फंक्शन होता है देन एट लास्ट वी आर हैविंग द हेल्प टैप हेयर इफ यू आर कन्फ्यूज अबाउट एनी ऑफ द फीचर ऑफ ओपन ऑफिस राइटर आप कन्फ्यूज हैं कि कोई स्पेसिफिक फीचर कैसे यूज होगा या फिर आपको कोई फीचर मिल नहीं रहा है तो उस केस में आप हेल्प टैप की हेल्प से आगे प्रोसीड कर सकते हैं हेयर वी आर गिवन द पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर क्विक रिकॉल आप इनको एक बार प्लीज़ पढ़ लेना क्योंकि अगर आप एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो आपको वो चीज़ें उसी टाइम पर लर्न हो जाती हैं जो आपने पढ़ी हैं बट अगर आप रिकॉल नहीं करते हैं तो फिर आपको बाद में याद करने में डिफ़िकल्टी होती है सो प्लीज़ रीड ऑल ऑफ देम हेयर वी हैव कम्प्लीटेड ऑल दिस वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ चैप्टर चैप्टर में हमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है एंड नाउ वी शुड प्रोसीड अहेड नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट स्प्रेडशीट इन स्प्रेडशीट वी हैव टू स्टडी अबाउट ओपन ऑफिस कैल्क फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक ऑन एक्सरसाइज हियर इन एक्सरसाइज यू कैन सी दैट ओनली लैब क्वेश्चंस आर गिवन मींस ये सभी क्वेश्चंस आपको लैब में करने हैं ये लैब वर्क है एंड डायरेक्टली थ्योरी से हम आंसर दे सके ऐसा यहाँ परिवहन नहीं है बट जो भी आपका एग्जाम होगा थ्योरी एग्जाम तो वहां पर आपसे थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो so, हम चैप्टर को समझते हुए ये डिस्कस करेंगे कि आपसे कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो लेटर स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल वाइड वी नीड अ स्प्रेडशीट जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे तब हमें सिर्फ टेक्स्ट टाइप करना था बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा डेटा सिर्फ टेबल फॉर्म में अवेलेबल हो मींस इन फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स देन वी विल यूज स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट के हेल्प से हम पूरे डेटा को एक टेबलो फॉर्म में अरेंज करेंगे एंड वहाँ पर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बहुत इजी होता है एंड हम वेरियस कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर पाते हैं सो दैट इज व्हाई वी यूज अ स्प्रेडशीट इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक सिंपल वर्कशीट से एंड वी कैन दैट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज द कम्प्यूटराइज वर्जन ऑफ अ वर्कशीट मीन्स जैसे हम एक नॉर्मल लाइफ में कोई भी पेपर पर टेबल बना लेते हैं उसमें डेटा फिल करते हैं तो उसी का एक कंप्यूटर वर्जन है कंप्यूटराइज्ड वर्जन है वर्कशीट जिसमें हम अलग अलग डेटा पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एंड वी कैन यूज इट इन वेरियस फील्ड्स लाइक बैंकिंग फाइनेंस अकाउंटिंग एंड एजुकेशन मीन्स इन सभी फील्ड्स में और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है जैसे कि आपके स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है या फिर टीचर्स का रिकॉर्ड है स्टाफ का रिकॉर्ड है वो सभी एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है यूजिंग द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बहुत सारी स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं एंड मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल एंड ये एक पेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है मींस इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है चार्जेस देने पड़ते हैं रेगुलरली एंड देन आप इसको यूज कर सकते हैं बट अगर आप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं मीन्स जो फ्री होता है तो आप ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे कैल्क यूज कर सकते हैं ये ऑल्टरनेटिव हैं एंड अगर आप एक वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं मींस जो कि इंटरनेट की हेल्प से वर्क करे आपके पास जब इंटरनेट एक्सेस है तो आप उसे यूज़ कर सकें तो आप गूगल शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं इससे आप ऑनलाइन स्प्रेडशीट्स के साथ वर्क कर सकते हैं सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ओपन ऑफिस कैल्क सो दिस इज़ द स्क्रीन दैट ओपन ऑफिस कैल्क हैज़ मीन्स जब हम ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे तब हमें कुछ ऐसी स्क्रीन शो अप होगी नेक्स्ट वी आर गिवन द स्टेप्स टू इंस्टॉल कैल्क बट ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जनरली जो भी फीचर्स हैं कमांड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो वी आर स्कीपिंग दिस पार्ट बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यगजाम let us proceed to the next part main features of open office calc जिस तरह से आपने ओपन ऑफिस राइटर ओपन किया था उसी तरह से आपको ओपन ऑफिस कैल्क ओपन करना है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो प्लीज आप याद रखेंगे डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ कैल्क इट इज द ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओडीएफ देखिए आपको डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट और एक्सटेंशन को मिक्स नहीं करना है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं अगर आपसे कैल्क का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट पूछा जाता है तो आप बताएंगे ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मींस ओ एंड अगर आपसे कैल्क की एक्सटेंशन पूछी जाती है तो वो आप बताएंगे डोट ओ सो प्लीज़ आप इन दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ मत करिएगा ये दोनों अलग चीज़ें हैं हेयर इज द मेन विंडो ऑफ कैल्क जब आप ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपको दिखेगी इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है टाइटल बार टाइटल बार जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है ये टाइटल को डिस्प्ले करता है एंड इट इज एट द टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है जैसे कि नेम ऑफ द करेंट स्प्रेडशीट, एक्सटेंशन एंड नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज ओपन ऑफिस कैल्क ये सभी इंफॉर्मेशन आपको टाइटल बार में शो होती है एंड अगर आपने ये न्यू स्प्रेडशीट खोली है तो इसका नेम अनटाइटल्ड एन एन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है तो अनटाइटल्ड एन स्प्रेडशीट का नेम होता है आप उसे रीनेम कर सकते हैं एंड उसके लिए एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर आपसे लोकेशन पूछी जाती है कि आपको कहाँ पर सेव करना है एंड आपको उसका नेम भी बताना होता है देन द नेक्स्ट इज मेन्यू बार हेयर यू कैन सी दिस इज द मेन्यू बार एंड हेयर यू आर गिवन विद वेरियस मेन्यूज लाइक फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स ऑल दीज मेन्यूज आर गिवन हेयर एंड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ दीज मेन्यूज इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सो द बेसिक फीचर जो बेसिक फीचर होते हैं वो इन मेन्यूज़ के कॉमन होते हैं जैसे कि फाइल मेन्यू में जाकर आप न्यू ओपन सेव सेव एज प्रिंट क्लोज एग्जिट ये सभी कमांड्स यूज करते हैं एडिट मेन्यू के गेस में आप डेटा से रिलेटेड एडिटिंग करते हैं जैसे कि कट कॉपी पेस्ट ये सभी ऑप्शंस आपको एडिट मेन्यू में मिलते हैं देन द नेक्स्ट इज व्यू मेन्यू यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर क्या देखना है कौन सा कंपोनेंट विजिबल रहना है और कौन सा नहीं आप उसको चेक और अनचेक कर सकते हैं जैसा यहाँ टूल बार्स ऑप्शन में दिखाया गया है जो भी टूल बार आपको चाहिए उसके आगे आप सेलेक्ट करेंगे उसे चेक करेंगे एंड जो नहीं चाहिए उसे अनचेक करेंगे आपको सेल रो कॉलम शीट कुछ भी इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेन्यू यूज़ करेंगे एंड फॉर्मेटिंग के लिए आप फॉर्मेट मेन्यू यूज़ करेंगे जहाँ पर आप सेल्स रोज कॉलम्स शीट को फॉर्मेट कर सकते हैं देन द नेक्स्ट इज़ टूल्स मेन्यू यहाँ पर आपको टूल्स गिवन होंगे जैसे कि स्पेल चेकिंग इंसर्ट मैक So, ये सभी टूल्स हेल्प करते हैं आपकी स्प्रेडशीट को और बेटर बनाने में देन नेक्स्ट इज डेटा मेन्यू यहाँ पर आपको कमांड्स मिलेंगी जिनसे आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं मीन्स जैसे सॉर्ट फिल्टर मीन्स आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है आप बस उस पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे जिसकी वजह से वो स्पेसिफिकली सॉर्ट होगा या फिर कुछ डेटा फिल्टर होकर एज अ रिजल्ट आपको शो हो जाएगा देन द नेक्स्ट इज़ विंडो मेन्यू हेयर यू विल बी गिवन द ऑप्शन लाइक न्यू विंडो क्लोज विंडो जब आपको कोई न्यू विंडो ओपन करनी है या फिर एग्जिस्टिंग विंडो को क्लोज करना है वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं एंड देन हेल्प मेन्यू यहाँ पर अगर आप किसी भी फीचर के बारे में कन्फ्यूज़ हैं तो आप हेल्प मेन्यू पर जाकर अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं जस्ट बिलो द मैन्यू बार इज़ द स्टैंडर्ड बार यहाँ पर आपको ऐसे आइकन्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आपको मेन्यू बार में नहीं जाना पड़ेगा आप डायरेक्टली इस आइकन पर क्लिक करेंगे एंड वो कमांड फंक्शन करने लगेगी सो दैट इज वाई वी हैव द स्टैंडर्ड टूल बार देन नेक्स्ट इज फाइंड बार मीन्स अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है तो आप फाइंड बार का यूज़ कर सकते हैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आपको टाइप करना है जो भी वर्ड आपको सर्च करना है एंड देन इट विल बी हाइलाइटेड एंड यू कैन गो टू दैट वर्ड एंड अगर बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स हैं मींस ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आप अप और डाउन एरो से ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं एंड उन वर्ड्स को देख सकते हैं देन द नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग टूल बार फॉर्मेट मेन्यू में जो ऑप्शंस थे उनमें से मोस्ट ऑफ़ द आइकन्स आपको फॉर्मेटिंग बार में मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल द लेफ्ट मोस्ट आइकन मीन्स द फर्स्ट आइकन इन द फॉर्मेटिंग टूल बार इज स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग देन फॉन्ट नेम एंड देन फॉन्ट साइज सो वेरियस ऑप्शन आर अवेलेबल इन द फॉर्मेटिंग बार आप अपने टेक्स्ट की अपेयरेंस भी चेंज कर सकते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइनिंग बना सकते हैं अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं मर्ज सेल्स आइकन बेसिकली जब भी आपको मल्टीपल सेल्स को एक बनाना है सिंगल सेल बनाना है तब आप मर्ज सेल्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं एंड ये सिर्फ तभी एक्टिव होगा जबकि मल्टीपल सेल्स सेलेक्टेड होंगे देन द नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ नंबर्स मीन्स अगर आप नंबर्स पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप नंबर फॉर्मेट आइकन को यूज करेंगे और जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है करेंसी परसेंट और वट एवर ऑप्शन यू हैव टू चूज यू विल सेलेक्ट दैट देन यू कैन ऑल्सो सेट द इंडिटेशन ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग द इंडेंट एरोज यू कैन ऑल्सो एड बॉर्डर एंड मॉडिफाई इट यू कैन ऑल्सो चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ सेल्स एंड द टेक्स्ट कलर मीन्स जो भी आपने सेल में डेटा टाइप किया है टेक्स्ट टाइप किया है सो so आप उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं एंड जो बैकग्राउंड है सेल का उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मेटिंग बार जस्ट बिलो द फॉर्मेटिंग बार यू कैन सी द नेम बॉक्स इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल मीन्स जिस भी सेल पर आपने इस टाइम क्लिक किया हुआ है वो एक्टिव सेल होता है तो उसका क्या एड्रेस है मीन्स वो सेल किस रो में है किस कॉलम में है ये जो सेल एड्रेस होता है जिसे हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं सो दैट इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स एंड नेम बॉक्स के आगे आपको थ्री बटन्स भी दिखेंगे जिनमें से पहला है फंक्शन विजार्ड सो फंक्शन का बेसिक काम ये होता है आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो आप बहुत सारे फंक्शंस देख सकते हैं और आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं देन द नेक्स्ट बटन इज आइकन इज यूज टू इंसर्ट अ फॉर्मूला मीन्स जिससे सम कर सकते हैं एक ऐसा फॉर्मूला हम इंसर्ट कर देते हैं एंड उसके आगे आपको मिलेगा फंक्शन आइकन फंक्शन आइकन की हेल्प से एक इक्वल साइन आ जाता है सेलेक्टेड सेल में एंड उसके आगे आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं और फिर वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है सो दैट इज वाई वी यूज द फंक्शन आइकन देन फंक्शन आइकन के आगे जो बॉक्स विजिबल है उसे कहते हैं फॉर्मूला बार यहाँ पर आपको सेल का एक्टिव सेल का या तो कंटेंट डिस्प्ले होगा या फिर जो भी आपने उसमें फार्मूला लिखा है वो फार्मूला डिस्प्ले होगा एंड आप चाहें तो जो भी एडिटिंग है सेल के कंटेंट की वो आप फार्मूला बार में भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सेल में भी कर सकते हैं सेल पर डबल क्लिक कीजिए एंड एडिटिंग कीजिए या फिर फार्मूला बार में जाइए एंड वहाँ पर आप सेल एक्टिव सेल के कंटेंट्स को एडिट कर सकते हैं जस्ट बिलो द फार्मूला बार यू कैन फाइंड द कॉलम हेडर वॉट इज कॉलम हेडर जब भी आपको फाइंड करना है कि एक्टिव सेल कौन से कॉलम में है सो so आप डायरेक्टली कॉलम हेडर पर देख सकते हैं वहां पर जो भी एक्टिव सेल का कॉलम है वो हाईलाइटेड होगा ऑलरेडी सो बेसिकली कॉलम हेडर वो प्लेस है जहां पर सभी कॉलम्स के नेम डिस्प्ले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्फाबेट्स एंड सिमिलरली रो हेडर्स होते हैं जहां पर रो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स उनके नेम अवेलेबल होते हैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन सो so, जो भी एक्टिव सेल है अगर आपको उसकी रो फाइंड करनी है तो आप रो हेडर में देख सकते हैं एंड आपको वो हाईलाइटेड दिख जाएगी रो जिसमें एक्टिव सेल प्रेजेंट है एट द राइट साइड यू कैन सी दिस इज द साइड बार दिस इज नॉट द स्लाइड बार इट इज़ साइड बार प्लीज नोट डाउन इट एंड यहाँ पर जो कॉमनली यूज टूल्स होते हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है एंड इस बार में प्लेस किया जाता है ताकि हम उनको ईजिली यूज कर पाएं नेक्स्ट इज शीट टैब्स हेयर यू कैन सी इट इज़ एवेलेबल एट द बॉटम यहाँ पर आपको जितनी भी ओपन अवेलेबल शीट्स हैं एक स्प्रेड शीट में वो सभी डिस्प्ले होती हैं उनका नेम डिस्प्ले होता है आप इनका नेम चेंज कर सकते हैं इंसर्ट डिलीट सभी ऑपरेशन कर सकते हैं यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन द नेम ऑफ द शीट देन यू विल भी डिस्प्लेड विद द मेन्यू एंड यू कैन सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्राम इट देन मूविंग टू नेक्स्ट स्टेटस बार स्टेटस बार हमें स्प्रेडशीट की बेसिक इंफॉर्मेशन देता है एंड कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में भी बताता है जैसे कि शीट सीक्वेंस नंबर फॉर एग्जांपल ये जो फिगर है शीट टैब की इसमें देखिए सबसे नीचे लिखा है शीट सीक्वेंस नंबर शीट वन बाई थ्री मीन्स थ्री शीट्स हैं जिसमें हमने पहली शीट खोली हुई है सो so, ये चीज़ हमें कहाँ पर डिस्प्ले हो रही है स्टेटस बार में हमें ये इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है एंड जो भी सिलेक्टेड सेल्स की इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमें स्टेटस बार में मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत सारे ऐसे सेल्स सेलेक्ट किए हैं जिनमें न्यूमेरिक डेटा है तो आप अगर उन सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो उनका जो सम है वो बाय डिफॉल्ट आपको स्टेटस बार में शो हो जाता है और आप चाहें तो उस पर राइट right क्लिक करेंगे सम पर एंड आप बाकी वैल्यूज भी चूज कर सकते हैं जैसा कि यहाँ फिगर में शोन है अगर आपने यहाँ पर राइट right क्लिक किया तो आप बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं और किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वही वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाती है एंड सपोज आपने कोई पाई चार्ट या फिर कोई बारग्राफ खोला हुआ है तो उस केस में आपको उसकी डायमेंशन उसकी लोकेशन ये सभी चीजें स्टेटस बार में डिस्प्ले हो जाती हैं एंड यूजिंग दिस स्लाइडर इज़ अवेलेबल इन द स्टेटस बार ओनली यू कैन जूम इन और जूम आउट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पैराग्राफ अब लेटेस्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट क्रिएट अलैंक वर्कशीट देर आर थ्री बेसिक वेज first is using the menu bar you have to go to the menu click on file then choose new option and select worksheet then new worksheet will be created and another way is to click on the standard bar where the new icon is available and then you have to choose the option spreadsheet as shown in the figure then you can also use the shortcut key control plus n to create a new spreadsheet नाउ हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट देर आर टू वेज फर्स्ट इज मेन्यू बार यू कैन क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड देन सेलेक्ट ओपन ऑप्शन इससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड वहाँ पर आपको स्प्रेडशीट की लोकेशन चूज करनी है मीन्स जहाँ पर भी स्प्रेडशीट सेव की थी आपने उस लोकेशन पर जाकर आपको स्प्रेड शीट सेलेक्ट करनी है एंड देन ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है तो वो स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी एंड सेकेंड वे इज स्टैंडर्ड बार स्टैंडर्ड बार पर ओपन आइकन अवेलेबल होता है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी जहां पर आप अपनी स्प्रेडशीट चूज करके ओपन कर सकते हैं नाउ हाउ टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर सेल आर थ्री फर्स्ट इज डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट सेल देन देकेंड इज यूजिंग द सेल रेफरेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नेम बॉक्स में हम सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस फाइंड कर सकते हैं अगर हमें किसी स्पेसिफिक सेल में पहुंचना है तो भी हम नेम बॉक्स का यूज़ करके पहुंच सकते हैं वी जस्ट हैव टू टाइप द सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स एंड प्रेस एंटर देन वी विल बी टेकन टू दैट स्पेसिफिक सेल देन नेक्स्ट वे इज़ कैल्क नेविगेटर ये स्टैंडर्ड बार पर अवेलेबल होता है ऑप्शन एंड इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है एफ फाइव सो यू कैन यूज़ ईदर वे एंड इट विल ओपन द नेविगेटर डायलॉग बॉक्स सो यहाँ पर आप कोई भी सेल चूज कर सकते हैं मीन्स आपको उसका रो नंबर एंड कॉलम लेटर टाइप करना है एंड यू विल बी टेकन टू दैट सेल नेक्स्ट इज सेल टू सेल नेविगेशन मीन्स अगर आपको एक सेल से दूसरी सेल तक पहुँचना है तो या तो आप माउस का यूज करेंगे या फिर एरो का एंड देन इफ यू हैव टू नेविगेट फ्रॉम शीट टू शीट मीन्स आपको एक शीट से दूसरी शीट पर पहुंचना है तो आप शीट टैब्स का यूज़ करेंगे बट शीट टैब्स में सिर्फ एक टाइम पर चार शीट्स का नेम शो होता है एंड अगर आपके पास फोर से ज़्यादा शीट्स हैं तो आप ये जो बटन्स आपको शो हो रहे हैं फिगर में इनका यूज़ कर सकते हैं एंड इनसे आप डिफरेंट शीट्स पर मूव कर सकते हैं अगर आपके पास फोर से ज़्यादा शीट्स हैं बट अगर थ्री या फोर शीट्स हैं तो आप डायरेक्टली उस शीट पर क्लिक करेंगे एंड इट विल बी ओपन दिस इज हाउ यू हैव टू नेविगेट बिटवीन शीट टू शीट हाउ टू सेव अ वर्कशीट? यू हैव टू वेज फर्स्ट इज मेन्यू बार यू हैव टू गो टू द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट सेव एज और सेव ऑप्शन एंड द सेकेंड वे इज स्टैंडर्ड बार यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव आइकन अवेलेबल ऑन द स्टैंडर्ड बार अगर आप पहली बार स्प्रेडशीट को सेव कर रहे हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर आपको स्प्रेडशीट का नेम एंड लोकेशन प्रोवाइड करना होता है एंड अगर आपने वो फाइल ऑलरेडी सेव कर चुकी है एंड बस आपने कुछ चेंजेस किए थे आपको वो सेव करने हैं सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन सेव आइकन और सेव ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू एंड इट विल बी सेव्ड नेक्स्ट इज हाउ टू क्लोज अ वर्कशीट यू कैन इधर यूज द मैन्यू बार फाइल मेन्यू एंड क्लोज ऑप्शन और यू कैन ऑल्सो यूज़ द डायरेक्ट क्लोज बटन अवेलेबल ऑन द टॉप मोस्ट कॉर्नर राइट कार्नर एंड यू कैन चूज़ द क्लोज बटन एंड द फाइल विल बी क्लोज इफ़ इट इज सेव्ड अगर वो सेव्ड नहीं है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप चेंजेस सेव करना चाहते हैं या नहीं सो so अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड फाइल क्लोज करनी है नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद डेटा जब हम स्प्रेडशीट के साथ वर्क कर रहे हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप्स का डेटा हो सकता है जैसे कि लेबल्स मीन्स एल्फ़ाबेटिकल एंट्रीज मीन्स आपने सिर्फ एल्फाबेट्स एंटर किए हैं एंड ये हमेशा लेफ्ट अलाइंट होंगे अगर आपने नंबर्स या फिर वैल्यूज एंटर की हैं तो वो हमेशा राइट अलाइंट होंगी एंड आप फॉर्मूला भी एंटर कर सकते हैं बट फार्मूला एंटर करने के लिए आपको हमेशा उसे इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट करना होता है इक्वल टू साइन से स्टार्ट करना होता है तभी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है यू कैन एंटर द डेटा इन अ सेल बाय डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन इट एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द फॉर्मूला बार मीन्स जब आपने किसी सेल पर क्लिक किया हुआ है तब फार्मूला बार में आप जो भी प्रेस करेंगे एंटर करेंगे वो सभी डिटेल्स आपको अपने एक्टिव सेल में शो हो जाएंगी

डेटा मूव कर सकते हैं एंड देयर इज अनदर वे आल्सो जो भी डेटा है या फिर जो भी सेल है आप उसको डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक कर देंगे तो जो मेन्यू ओपन होता है वहां पर भी कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एंड आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज ऑटोफिल सपोज यू हैव टू राइट

बटन शो होगा फिल हैंडल एंड आप इस फिल हैंडल को क्लिक करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे उस कॉलम तक जहाँ तक आपको नंबर्स फिल करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में सो so, जैसे आप इसको ड्रैग करते जाएंगे नंबर्स ऑटोमेटिकली फिल होते जाएंगे एंड जहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और वहाँ तक नंबर्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं अब सपोज कीजिए आपको डिफरेंट नंबर्स नहीं फिल करने थे आपको एक ही नंबर फिल करना था सभी बॉक्सेज में तो उसके लिए जब आप इस ड्रैग कर रहे हैं फिल हैंडल को तब आपको कंट्रोल की भी प्रेस करनी होती है मीन्स पहले आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे एंड देन आप इस फिल हैंडल को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सारे कॉलम्स में आपको सेम वैल्यू एंटर मिल जाएगी और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक सीरीज जनरेट करनी है मींस आपको डायरेक्टली कन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं भरने हैं बट आपको कोई एक सीरीज जनरेट करनी है फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स की या फिर ऑड नंबर्स की तो आप क्या करेंगे पहले दो सेल्स की एंट्री आप कर देंगे एंड देन आप ये प्रोसीजर ऑटोफिल का प्रोसीजर फॉलो करेंगे सो so, वो सीरीज अपने आप जनरेट हो जाएगी क्योंकि कैलक ये समझ लेता है कि वैल्यूज को कैसे जनरेट करना है सो so, इस तरह से आप ऑटोफिल फीचर यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग डेटा

तो उसके लिए आपको प्रेफिक्स में एक सिंगल कोटेशन मार्क एंटर करना होगा प्रेफिक्स मीन जो आपने नंबर लिखा है उसके पहले आपको एक सिंगल कोटेशन मार्क एंटर करना है सो so, ये कोटेशन मार्क विजिबल तो नहीं होगा बट इससे जो नंबर है वो लेबल की तरह ट्रीट होने लगेगा सो दिस इज द यूज ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क बिफोर द नंबर नाउ लेटेस्ट डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिंग बार फर्स्ट ऑफ ऑल फॉन्ट अगर हमें फॉन्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं फॉन्ट नेम फॉन्ट साइज़ या फिर फॉन्ट स्टाइल मीन्स बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सो इन सभी के लिए हम फॉर्मेटिंग बार से टूल्स यूज़ कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं हॉरिजोंटल अलाइनमेंट मीन्स हमारा टेक्स्ट किस तरह किस डायरेक्शन में अलाइंड है वो हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बटनस लेफ़्ट सेंटर राइट जस्टिफाई इन आइकन्स को क्लिक करके हम अपना सेलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई या फिर अलाइन कर सकते हैं देन मर्ड सेल्स मीन्स अगर बहुत सारे सेल्स हैं और उन्हें आपको एक सेल बनाना है सो so उस केस में आप मर्ड सेल्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं देन ये कुछ ऐसे आइकन्स हैं जिनकी हेल्प से आप नंबर को डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्प्ले कर सकते हैं अगर करेंसी की फॉर्म में करना चाहते हैं तो करेंसी आइकन को क्लिक करेंगे परसेंट की फॉर्म में करना चाहते हैं तो परसेंट आइकन इन द सिमिलर वे यू कैन चूज द डिफरेंट ऑप्शन देन बैकग्राउंड कलर मीन्स अगर आपको सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप इस आइकन को यूज करेंगे एंड इससे आप सेल के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं एक बैकग्राउंड पैलेट ओपन हो जाता है जहाँ से आप डिफरेंट बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं

बट जब आप एक स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तब आपको ग्रिड लाइन्स मिलती हैं जिनकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं रोज एंड कॉलम्स को सो so, ये जो ग्रिड लाइन्स होती हैं ये आपकी हेल्प करती हैं आपके डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने में बट बॉर्डर्स एंड ग्रिड लाइन्स ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं अगर आपको बॉर्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मेटिंग बार का यूज करना पड़ेगा बट जो ग्रेड लाइंस हैं वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलती है एक स्प्रेडशीट में एंड ये ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं होंगी बट अगर आपने बॉर्डर क्रिएट किया है तो बॉर्डर प्रिंट हो जाता है सो हाउ टू चूज द बॉर्डर ऑप्शन यू हैव टू क्लिक ऑन द बॉर्डर आइकन अवेलेबल ऑन द फॉर्मेटिंग बार एंड अगर आप चाहें डिफरेंट बॉर्डर्स क्रिएट करना तो आप ड्रॉप डाउन पर भी क्लिक कर सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट बॉर्डर्स शो हो जाएंगे सो so, जो भी आपने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं उन पर आपको जो भी बॉर्डर अप्लाई करना है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ टेक्स्ट सपोज आपने एक ही कॉलम में इतना टेक्स टाइप कर दिया है कि वो उस कॉलम में फिट नहीं हो पा रहा है मीन्स वो कॉलम की लेंथ को एक्सीड कर रहा है सो so, उस केस में आप क्या कर सकते हैं आपके पास थ्री ऑप्शनस हैं फर्स्ट इज मर्ज सेल्स मीन्स आप सेल्स को मल्टीपल सेल्स को मर्ज कर सकते हैं देन जो एक सेल का डेटा था वो मल्टीपल सेल्स के एरिया में डिस्प्ले होगा तो वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाएगा देन The next two ways are used when you want to fit the text only in one column. Means first option hai wrap the text jisme aap कॉलम की विद तो सेम रखते हैं बट जो रो की हाइट है वो चेंज कर देते हैं and the next option is श्रिंक टू फिट जिसमें कॉलम की विथ रो की हाइट दोनों सीम रहती है जो टेक्स्ट का साइज है वो छोटा हो जाता है जिस वजह से जो टेक्स्ट है वो उसी कॉलम में फिट हो जाता है सो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ टेक्स्ट नेक्स्ट इज न्यूमेरिक डेटा फॉर्मेटिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट वॉट आर द कॉमनली यूज नंबर फॉर्मेट्स सो इट कैन बी अ लॉन्ग क्वेश्चन सो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ये फाइव पॉइंट्स करेंसी परसेंट स्टैंडर्ड डेसिमल्स एंड डेट ये सभी डिटेल में डिस्कस करने हैं एंड चलिए हम इन्हें ब्रीफ में डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फॉर्मेटिंग करनी कैसे है अगर आपको कोई भी सेल फॉर्मेट करना है उसके अगर आपने नंबर वैल्यू दी है एंट्री में बट आप चाहते हैं कि आप उसकी कैटेगरी चेंज करें मींस उसकी कुछ और नंबर फॉर्मेटिंग है तो उसके लिए आपको राइट right क्लिक करना है फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट टैब है नंबर्स यहाँ से आप न्यूमेरिक डेटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं मीन्स जो भी आपने नंबर वैल्यू एंटर की है वो कौन सी कैटेगरी है और आपको उस कैटेगरी का कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सो so, हम फाइव बेसिक फॉर्मेट्स कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज करेंसी मीन्स जब भी हमें करेंसी सिंबल को प्रेफिक्स या सफिक्स में लगाना है तो हम करेंसी का यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम है जहाँ पर आप सैलरी लिख रहे हैं सभी एम्प्लॉयज़ की सो so, उस पूरे कॉलम में आपको हर डेटा के साथ हर एंट्री के साथ करेंसी सिंबल चाहिए तो आप अलग से नहीं लगाएंगे तो इसके लिए आप डायरेक्टली उसमें फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन में करेंसी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे देन नेक्स्ट इज परसेंट अगर आप स्टूडेंट्स की परसेंटेज एक कॉलम में लिख रहे हैं तो उस केस में आप परसेंट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और इससे नंबर के बाद टू डेसिमल प्लेसेस एंड एक परसेंट सिंबल ऐड हो जाएगा एट द एंड देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड अगर पहले से कोई फॉर्मेटिंग अप्लाइड है बट आप चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए तो आप स्टैंडर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे देन नेक्स्ट इज़ डेसिमल्स मीन्स अगर आपको नंबर को डेसिमल की फॉर्म में शो करना है तो आप डेसिमल कैटेगरी यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज़ डेट मीन्स आपने जो भी डेटा एंटर किया है जो भी नंबर एंटर किया है वो नंबर नहीं है वो बेसिकली डेट है तो उस केस में आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे डेट फॉर्मेट एंड जो फॉर्मेट बॉक्स है वहाँ पर आप जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं पहले डे फिर मंथ फिर ईयर या फिर पहले मंथ फिर डे फिर ईयर जो भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे एंड इस तरह से हम वेरियस नंबर फॉर्मेट्स के साथ नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग डेटा जब हमने शुरू में फाइन टूल बार के बारे में डिस्कस किया था तो फाइन टूल बार सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को ओनली फाइन करना है बट अगर हमें रिप्लेस भी करना है डेटा तो हम फाइन एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज करते हैं दैट इज अवेलेबल इन द एडिट मेन्यू हमने ये डायलॉग बॉक्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एडिट मेन्यू में जाने के बाद जब आप फाइन एंड रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है हमने ये सभी ऑप्शंस डिटेल में डिस्कस किए हैं सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट इज डिलीटिंग अगर आपको एक सेल का डाटा डिलीट करना है कंटेंट डिलीट करना है तो उसके लिए आप डायरेक्टली सेल पर क्लिक करेंगे एंड बैकस्पेस की का यूज कर सकते हैं अगर आपने सेल पर सिर्फ सिंगल क्लिक किया एंड बैकस्पेस दबा दिया तो उस केस में क्या होगा पूरे सेल का कंटेंट डिलीट हो जाएगा बट अगर आपको स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं पूरा कंटेंट डिलीट नहीं करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे एंड देन यू विल प्रेस द बैक स्पेज की अकॉर्डिंगली देन द नेक्स्ट इज डिलीटिंग डेटा एंड फॉर्मेटिंग मीन्स सपोज आपने फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की हुई थी सेल्स पर तो आप चाहते हैं कि डेटा भी डिलीट हो एंड जो फॉर्मेटिंग थी वो भी डिलीट हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सेल्स को देन राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट डिलीट ऑल ऑप्शन सो से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है एंड इस डायलॉग बॉक्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एग्जेक्टली exactly क्या क्या कंटेंट डिलीट करने हैं अगर आपको सभी कंटेंट्स डिलीट करने हैं तो आप डिलीट ऑल चेक करेंगे और अगर आपको सिर्फ कुछ कंटेंट्स डिलीट करने हैं तो आप सिलेक्टेड कंटेंट्स को चेक करेंगे एंड ओके okay प्रेस कर देंगे तो वो कंटेंट्स डिलीट हो जाएंगे नेक्स्ट इज डिलीटिंग सेल्स सपोज आपको कंटेंट नहीं फॉर्मेटिंग नहीं आपको पूरा सेल ही डिलीट करना है तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चूज करते हैं इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द सेल राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन सो इससे क्या होता है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड उसमें पूछा जाएगा कि जहां से आप सेल डिलीट कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी सेल्स आने चाहिए साइड वाले या फिर जो नीचे वाले हैं वो आने चाहिए सो so, उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड अगर आपको पूरी रो डिलीट करनी है या पूरा कॉलम डिलीट करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड ओके okay को प्रेस करेंगे इससे सेल्स डिलीट हो जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग और डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स देयर आर टू वेज फर्स्ट इज़ यूजिंग कॉलम हेडर और रो हेडर मीन्स आप डायरेक्टली रो हेडर या फिर कॉलम हेडर पर राइट right क्लिक करेंगे एंड जो मेन्यू ओपन होगा वहां से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट एंड डिलीट का एंड सेकेंड ऑप्शन इज टू यूज़ द इंसर्ट मेन्यू जहां पर आप न्यू रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट फार्मूलाज एंड फंक्शंस सो वाई डू वी यूज फार्मूलाज बिकॉज अगर हम डेटा चेंज भी कर देते हैं तब भी फार्मूला सेम रहता है हम सिर्फ डेटा को चेंज करेंगे बट फॉर्मूला सेम है इसलिए जो आंसर होगा रिजल्ट होगा वो अपने आप रिकेल्कुलेट हो जाता है एंड एक और एडवांटेज है कि हम उसे इजीली कॉपी कर पाते हैं फार्मूला को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड वी हैव टू गेट फेमिलियर विद सम बेसिक टर्म्स फर्स्ट इज सेल रेफरेंस हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट सेल रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ अ सेल मीन्स कॉलम लेटर एंड रो नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी सेल का वो होता है सेल रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्प्रेडशीट के फर्स्ट सेल की बात करते हैं तो वो होता है एवन तो हमने एवन किस नाम किस बेसिस पर नाम दिया है कि उसका कॉलम ए है और उसकी रो वन है तो इस बेसिस पर हमने बोला है कि इस सेल की सेल रेफरेंस ए वन है या फिर इस सेल का एड्रेस ए वन है देन अगर हमें बहुत सारे सेल्स को एक साथ रेफर करना है तब हम किस तरह से रेफर करेंगे हम यूज करेंगे कॉलन का फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट फाइव सेल सेलेक्ट करने हैं कॉलम डी के तो आप लिखेंगे डी वन कॉलन डी फाइव सो इससे D1 से D5 तक जितने सेल्स हैं वो सभी आ, रेफर किए जाएंगे सो so, इस तरह से हम रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करते हैं देन अगर आपको एक सेल की रेफरेंस दूसरे सेल में डालनी है तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं फर्स्ट है यूजिंग द कीबोर्ड एंड सेकेंड इज यूजिंग द माउस सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू डबल क्लिक ऑन द सेल जहाँ पर आपको सेल रेफरेंस इंसर्ट करनी है वहाँ पर आप इक्वल साइन टाइप करेंगे एंड देन आप उस सेल पर जाएंगे जहाँ पर आपको जिसकी सेल रेफरेंस एड करनी है तो जब आप उस सेल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले वाले सेल में इस करेंटली एक्टिव सेल की एड्रेस आ गई है Now there are two types of operators: arithmetic operators for arithmetic operations and comparison operators for comparing. So, अगर आपने एक ही cell में बहुत सारे operations use किए हैं तो वो operations किस तरह से execute होंगे means कौन सा operation पहले execute होगा and कौन सा बाद में ये already decided होता है जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशन मीन्स सबसे पहले कौन सा और फिर उसके बाद कौन सा सो so, सबसे पहले होता है ऑपरेशन इंक्लूज इन पैरेंथिस मीन्स जो ब्रैकेट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं सो so, पहले वो सभी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं जो कि ब्रैकेट में होंगे देन एक्सपोनेशियशन देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन एंड देन एडिशन एंड सब्ट सो दिस इज द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन विल बी एग्जीक्यूटेड नाउ जब हम किसी भी फॉर्मूला को लिखते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर ऑपरेटर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं ऑपरेश्स वो वैल्यूज होती हैं जिन पर यह ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं सो so, अगर हम फार्मूला की बात कर रहे हैं तो हमें ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर दोनों प्रोवाइड करने पड़ते हैं बट अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पर ऑपरेटर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं एंड हमें सिर्फ ऑपरेंट प्रोवाइड करने होते हैं मींस आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करनी होती हैं जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा सो वी कैन सी दैट अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड फार्मूलाज इज़ कॉल्ड फंक्शन देर आर वेरियस फन्स लाइक सम प्रोडक्ट पावर सो बेसिकली यहाँ पर जैसा सम की बात करें तो हमें पता है कि सम में एडिशन होगा तो वहाँ पर प्लस ऑपरेटर ऑलरेडी अवेलेबल है हमें सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू सम एंड ब्रैकेट में थ्री कॉमा फोर सो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने सम फंक्शन लगाया है एंड हमें यहाँ पर ऑपरेटर यूज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी क्योंकि ये एक फंक्शन है तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या प्रोवाइड किया है ऑपरेंट मींस आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया है तो ये जो फंक्शन है ये हमें इन दोनों नंबर्स का सम प्रोवाइड कर देगा नाउ लेटेस्ट डिस्कस अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग फर्स्ट इज रिलेटिव एड्रेसिंग

सो so, अगर आपने यही फार्मूला ए सिक्स का कॉपी किया है बी सिक्स में एंड रिलेटिव एड्रेसिंग है बाय डिफॉल्ट सो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सम बी वन टू बी फाइव में एंड यहाँ पर सम ए वन टू ए फाइव कापी नहीं होगा सम बी वन टू बी फाइव कॉपी होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव एड्रेसिंग थी विच मीन्स सिर्फ फार्मूला कॉपी हुआ है बट जो सेल रेफरेंस थे वो रिलेटिवली चेंज हो गए हैं नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एड्रेसिंग जब आप सेल एड्रेस को रिटेन करना चाहते हैं मींस आप चाहते हैं कि सेल एड्रेस चेंज ना हो रिलेटिवली जो फॉर्मूला है वो एज इट इज कॉपी हो जाए उस केस में आप यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग ये इंडिकेट करने के लिए आपको डॉलर साइन प्रेफिक्स में लगाना पड़ता है ताकि पता चल पाए कि वो एब्सोल्यूट एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल आपको ए का एब्सोल्यूट एड्रेस चाहिए तो वो क्या होगा वो होगा $A, $3. Means, यहां पर आपने column और row दोनों को fix कर दिया है, एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट एड्रेसिंग नेक्स्ट इज मिक्सड एड्रेसिंग इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेसिंग फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप सिर्फ कॉलम फिक्स रखें बट रो रिलेटिव relative रहे रिलेटिवली उसका एड्रेस चेंज हो जाए सो so इस केस में आप सिर्फ कॉलम के आगे डॉलर का यूज करेंगे एंड रो के आगे डॉलर का यूज नहीं करेंगे सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड एड्रेसिंग नेक्स्ट इज सॉर्टिंग मींस आप अपने डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग किस ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके लिए आप यूज करेंगे सॉर्ट ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन फ्राम द स्टैंडर्ड टूल बार यूजिंग दॉर्ट आईकन एंड यू कैन ऑल्सो यूज द डेटा मैन्यू एंड सेलेक्ट सॉर्ट ऑप्शन सो देन अ डायलॉग बॉक्स विल ओपन एंड हेयर यू कैन सी देर आर टू टैब्स फर्स्ट इज सॉर्ट क्राइटेरिया यहाँ पर आपको हर कॉलम के लिए अलग सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा एंड इन द सेकेंड टैब ऑप्शन

देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्शन मीन्स आपको सॉर्टिंग किस तरह से करनी है रो वाइज करनी है या कॉलम वाइज करनी है ये आप डायरेक्शन ऑप्शन से चूज करते हैं नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा मीन्स अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक डेटा जो कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर बेस्ड है सिर्फ वही डेटा डिस्प्ले हो तब आप डेटा को फिल्टर करते हैं you can use the data menu for filter and you will select the filter option there are three types of filter auto filter standard filter and advanced filter is level par hame first two filters ke bare mein padhna hai auto filter जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है ये एक ऑटोमेटिक फिल्टर है ये सिर्फ टॉप मोस्ट रो पर लगता है एंड इसका क्राइटेरिया हम सेट नहीं करते ये खुद सेट करता है फॉर एक्जाम्पल हमने अपना डेटा सेलेक्ट किया एंड देन वी चूज द ऑप्शन ऑटो फिल्टर सो उसके बाद जो टॉप मोस्ट रो होगी वहाँ पर हर एक कॉलम के आगे डाउन शो हो जाएगा एंड जब हम डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शन शो होंगे जिनकी हेल्प से हम ऑटो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फिल्टर इट इज़ यूज टू प्रोवाइड मोर ऑप्शन फॉर फिल्टरिंग द डेटा मीन्स सपोज आपको मल्टीपल फिल्टर्स को कंबाइन करना है यूजिंग एंड और ऑपरेटर सो यू कैन डू दिस यूजिंग द स्टैंडर्ड फिल्टर ऑप्शन तो जब आप मल्टीपल फिल्टर्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो आपके पास थ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं फर्स्ट है जहां पर आप सिर्फ एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे मींस जितने ऑपरेटर्स जितने फिल्टर्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो सभी फिल्टर्स अप्लाई हो एप्लीकेबल हो वही डेटा डिस्प्ले हो तो उस केस में आप सिर्फ एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड अगर आपको चाहिए कि कोई भी एक फिल्टर एप्लीकेबल हो तो आप यूज करते हैं और ऑपरेटर एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारी कंडीशंस चाहिए एंड भी चाहिए और भी चाहिए तो आप वो ऑपरेटर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये ऐसा फीचर आपको स्टैंडर्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स में मिलता है कि आप एंड ऑपरेटर भी सेलेक्ट कर लेंगे और ऑपरेटर भी सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आप अपना स्टैंडर्ड फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो रिमूव द ऑटो फिल्टर फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द सेल्स देन गो टू डेटा menu, सेलेक्ट फिल्टर ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट रिमूव फिल्टर सो ऐसा करने से फिल्टर रिमूव हो जाएगा देन नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट charts एंड graphs. सो so, हम कब यूज करते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ्स को जब हमें डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है मींस अब हमें सिर्फ डेटा को टाइप नहीं करना है टेबुलर फॉर्म में अब हमें उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है उस केस में हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं कैल्क हमें टेन चार्ट टाइप्स ऑफर करता है और हर चार्ट टाइप के कुछ सब टाइप्स भी होते हैं फॉर क्रिएटिंग चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा मीन्स जो भी डेटा आपको चार्ट में इंक्लूड करना है सबसे पहले आप वो डेटा सेलेक्ट करेंगे देन यू हैव टू गो टू द इंसर्ट मेन्यू एंड सेलेक्ट द चार्ट ऑप्शन और यू कैन गो टू द स्टैंडर्ड टूल बार एंड क्लिक ऑन द चार्ट आइकन ऐसा करने के बाद चार्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा जैसा की यहाँ में शोन है एंड पर देख सकते हैं हैं बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे तो चार्ट क्रिएट हो जाएगा कॉलम चार्ट इट इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज बाय यूजिंग द वर्टिकल बार्स मीन्स यहाँ पर वर्टिकल बार्स होते हैं एंड बार चार्ट की बात करें तो यहाँ पर हॉरिजोंटल बार्स होते हैं सो हम कह सकते हैं कि बार चार्ट इज द हॉरिजोंटल वर्जन ऑफ अ कॉलम चार्ट एंड ये जनरली तब यूज़ किया जाता है जब लार्ज टेक्स्ट लेबल्स होंगे क्योंकि अगर हम वर्टिकल बार्स के केस में लिखेंगे तो हो सकता है कि पूरा टेक्स्ट लेबल ना आ पाए प्रॉपरली सो इसलिए हम बार चार्ट को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज चार्ट जब हमें दिखाना है कि टोटल में हर वैल्यू का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है तब हम पाई चार्ट का यूज करते हैं पाई चार्ट में जो टोटल है उसको हम कहते हैं पाई और हर वैल्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं स्लाइस इफ वी हैव टू कंपेयर ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन वैल्यूज ओवर टाइम देन वी कैन यूज द लाइन चार्ट इफ वी हैव टू display relationships between variables then we can use the scatter chart next we talk about few more elements of the chart wizard here the fourth option is chart elements yahan par hum different elements ko edit kar sakte hain jaise ki title subtitle for example जो भी chart का title है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं X axis, Y axis क्या display कर रहे हैं उनका name क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं देन डिस्प्ले ग्रिड्स ये ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जबकि हमें ग्रेड्स को डिस्प्ले करना होता है मींस जो हॉरिज़ॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं अगर हमें वो डिस्प्ले करनी है तो हम ये बॉक्सेस चेक कर देते हैं एंड अगर डिस्प्ले नहीं करनी है तो अनचेक कर देते हैं डिस्प्ले लेजेंड लेजेंड बेसिकली हेल्प करता है रीडर को एक चार्ट को अच्छे से समझने में कि कौन सा कलर कौन सा पैटर्न किस लिए यूज़ किया गया है एंड ये डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होती है अगर हम इस बॉक्स को चेक करते हैं एंड अगर अनचेक कर देंगे तो लेजेंड डिस्प्ले नहीं होता है एंड हम इसकी डायरेक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर विजिबल होगा If you have to move the chart, you can simply click on it and drag it to another position. And if you have to resize it, then you have to click on it and drag its resizing handle. With this, you can resize it. If you have to delete a chart, then you will simply click on the chart and press the delete key on the keyboard. If you have to modify the chart, then you have to double click on the chart and then right click. then you will see many options are available so you can modify whichever option you want to change. next topic is macros. जब भी हमें अपने steps को record करना है means हम जो भी steps commands perform कर रहे हैं वो सभी हमें record करने हैं तो हम macros का use करते हैं ताकि हम same macro use करके उसी action को मीन्स जो भी हमारी सीरीज ऑफ एक्शन थी उसी एक्शन को रिपीट कर सके बाद में भी तो इसलिए हम मैक्रोस का यूज़ करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि मैक्रोस को क्रिएट कैसे किया जाता है रिकॉर्ड कैसे किया जाता है वी विल गो टू द टूल स्टैप एंड सेलेक्ट द मैक्रोस ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट रिकॉर्ड मैक्रो जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड एक डायलॉग बॉक्स भी शो होने लगेगा जहाँ पर ऑप्शन दिखेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग तो जब आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे एंड जब तक आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है जब तक वो रिकॉर्डिंग चल रही है तब तक आप जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे जो भी कमांड लेंगे वो सभी रिकॉर्ड होगा उस मैक्रो में एंड जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है फिर एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां पर आपको मैक्रो का नेम एंड उसकी लोकेशन देनी होती है उसे सेव करने के लिए सो so, जब हमने एक मैक्रो को सेव कर दिया है तो हमारे पास एक ऐसा सिंगल ऑपरेशन है जिसे अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारी वो जो सारी कमांड्स थी वो सभी उसी सीरीज में रिपीट हो जाएंगी तो अगर हमें ये मैक्रो रन करना है यूज करना है दोबारा तो हम कैसे करेंगे वी विल गो टू द टूल सेलेक्ट मैक्रोस एंड देन सेलेक्ट द रन मैक्रोस ऑप्शन तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा मैक्रो रन करना है आप उस मैक्रो को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन द रन बटन जब आप रन बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी टास्क उस मैक्रो में हुए थे जो भी रिकॉर्ड हुए थे स्टेप्स वो सभी फिर से उसी सीरीज में रिपीट होंगे बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डेड मैक्रोस में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज होती है बट अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं नेक्स्ट हाउ टू डिलीट अ मैक्रो इफ यू हैव टू डिलीट इट गो टू द टूल टैब सेलेक्ट मैक्रोस एंड देन सेलेक्ट ऑर्गेनाइज मैक्रोस

then a dialog box will open here you have to select the required option कितने पेजेस कौन सी शीट वो सभी ऑप्शंस आपको एकॉर्डिंगली सेलेक्ट करने हैं and then you have to click on print to print the spreadsheet students यहाँ पर first of all हम एक्सरसाइजेस देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर हैं जैसे ओपन ऑफिस राइटर में थे एंड इनफैक्ट कुछ पार्ट है इस चैप्टर में जो कि सेम है हमने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी लाइक सेव सेव एंड 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 कमांड मूव टेक्स्ट टेक्स्ट कॉपी फाइंड रिप्लेस ऑप्शन सो सेम थिंग्स को हम अगेन रिपीट नहीं करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर न्यू क्या गिवन है एंड हम उसे समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इट इज अ सॉफ्टवेयर विच वी यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन एंड वाई डू वी यूज इट वेन

which is an open source software for making presentations you will start openoffice impress using the start button or the icon that is available on the desktop then when you have clicked on it then the screen will open up and it will be as shown in the figure here we are having different components of the screen Tabs, status bar, scroll bar, work area, view options, and slide pane. So these are new for us the last two options. First is view options. मीन्स जहाँ पर हमारी स्लाइड के लिए डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल होते हैं मीन्स हम स्लाइड को किस तरह से देखना चाहते हैं कौन से व्यू में देखना चाहते हैं ये हम व्यू ऑप्शन की हेल्प से कंट्रोल करते हैं देन स्लाइड पेन मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमें स्लाइड्स एज थम ने विजिबल होती हैं एंड वहाँ पर हम सभी स्लाइड्स को देख सकते हैं रीअरेंज हाइड कर सकते हैं ये सब भी वर्क हम स्लाइड पेन में करते हैं Next, we have to study about impress tabs. These are File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Slideshow, and Window. There is also a Help tab. So, we have studied most of them.

here you will find the commands related to editing of a presentation like cut copy paste find and replace undo and redo changes in the current presentation so all these editing features are available in the edit tab then next is view tab in the view tab you can find the different ways in which presentation slides can be viewed let us study these ways first is normal मीन्स इट इज़ द मेन एडिटिंग व्यू इन विच यू क्रिएट स्लाइड्स मीन्स ऐसा व्यू जिसमें आप स्लाइड्स क्रिएट करते हैं स्लाइड्स में एडिटिंग करते हैं जो भी वर्क है जो आप स्लाइड्स पर कर रहे हैं वो आप मेन एडिटिंग व्यू मीन्स नॉर्मल व्यू में करते हैं देन द नेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट विजिबल होता है स्लाइड्स का बाकी चीजें जो भी आपने स्लाइड में इंसर्ट की हैं वो यहाँ पर व्यू नहीं होंगी सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले होगा देन द नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर हम स्लाइड्स को सॉर्ट करते हैं मीन्स यहाँ पर हमें सारी स्लाइड्स एक मिनिएचर फॉर्म में एक साथ दिखाई देती हैं एंड हम इजीली स्लाइड्स को सॉर्ट कर पाते हैं

यहाँ पर आप सेलेक्टेड स्लाइड के लिए नोट्स बना सकते हैं एंड जो नोट्स होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंटर को देखते हैं मींस जो प्रेजेंट कर रहा है सिर्फ वही नोट्स को देख सकता है ऑडियंस को ये नोट्स विजिबल नहीं होते नेक्स्ट इज आउट पेज यहाँ पर आपको स्लाइड एज अ पेज दिखेगी मीन्स अगर आपको स्लाइड प्रिंट करनी है एंड वो पेज पर प्रिंट होकर कैसी लगेगी ये देखने के लिए आप हैंड आउट पेज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट होकर आपकी स्लाइड एक पेज पर किस तरह से विजिबल होगी नेक्स्ट स्लाइड मास्टर जब भी आपको अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है तो सबसे पहला स्टेप आप स्लाइड मास्टर प्रिपेयर कीजिए इसका क्या फायदा है इसका फायदा ये रहेगा कि आप जो भी फॉर्मेटिंग स्लाइड मास्टर में करते हैं वो आगे की सभी स्लाइड्स में अप्लाई हो जाती है सो so अगर आपने पहले स्लाइड मास्टर क्रिएट किया है एंड वहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दी है तो वही फॉर्मेटिंग बाकी स्लाइड्स पर अपने आप अप्लाई हो जाएगी आपको सेपरेटली हर स्लाइड के लिए फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी हेयर यू आर ऑल्सो हैविंग द ऑप्शन ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर मीन्स आप चाहते हैं कि हर स्लाइड में हेडर एंड फुटर भी विजिबल हो तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज इंसर्ट टैब विद यू कैन इंसर्टेड इन द यूजिंग द इंसर्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज फॉर्मेट टैब जब आपको अपनी प्रेजेंटेशन में फॉर्मेटिंग करनी है मीन्स आपको अपनी प्रेजेंटेशन की अपेयरेंस में चेंजेस करने हैं तो आप फॉर्मेट टैब का यूज करेंगे यहाँ पर आप कैरेक्टर पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं स्लाइड डिजाइन एंड स्लाइड लेआउट ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल ऑप्शन स्लाइड लेआउट मींस जो स्लाइड है वो किस तरह से आपको विजिबल होती है उसमें जो कंटेंट होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं ये होता है स्लाइड लेआउट सो हेयर इज द लेआउट बॉक्स हेयर यू कैन सी वेरियस ऑप्शन आपको जिस भी तरह से अपनी स्लाइड और उसके कंटेंट को अरेन्ज करना है आप वो ऑप्शन आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशन को और बेटर बना सकते हैं जैसे कि स्पेलिंग मीन्स एक ऐसा टूल जिसकी हेल्प से आप स्पेलिंग एरर्स को चेक करते हैं अगर कोई एरर्स होते हैं तो वो शो हो जाते हैं एंड वहाँ उसके साथ-साथ आपको सजेशंस भी मिलते हैं कि आप इन सजेशंस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट इज स्लाइड शो टैब यहां पर आपको वो सभी कमांड्स मिलेंगी जो एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो के टाइम रिक्वायर्ड होती हैं जैसे कि स्लाइड शो सेटिंग्स मींस स्लाइड शो कहां से स्टार्ट करना है कौन सी स्लाइड से स्टार्ट करना है एनिमेशन कौन सा है वो सभी चीजें आप स्लाइड शो टैब की हेल्प से चूज करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इज कस्टम एनिमेशन जब आपको स्लाइड के किसी भी एलिमेंट पर एनिमेशन लगाना है तो आप कस्टम एनिमेशन ऑप्शन यूज करते हैं एंड जब आपको स्लाइड ट्रांजिशन लगाना है तो आप स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन यूज करते हैं नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन एंड ये एग्जाम में भी आ सकता है इट इज इम्पॉर्टेंट जब आप प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो जो बीच का पीरियड होता है उसमें जो ट्रांजिशन आता है वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन मीन्स स्लाइड ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड पर अप्लाई होगा एंड एनिमेशन एक सिंगल स्लाइड के डिफरेंट एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है मींस एक सिंगल स्लाइड में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से अपेयर होंगे स्क्रीन पर किस ऑर्डर में अपेयर होंगे ये सभी चीज़ें एनीमेशन से कंट्रोल होती हैं नेक्स्ट इज विंडो टैब यहाँ पर आपको विंडो से रिलेटेड कमांड्स मिलती हैं जैसे कि न्यू विंडो ओपन करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग विंडो क्लोज करने के लिए एंड जो भी आपकी करेंटली ओपन विंडो है उसका नेम भी यहाँ पर शो होता है Then the last one is help tab. ये यूज़र की हेल्प के लिए होता है। अगर यूजर को कोई भी फीचर समझ में नहीं आ रहा है उस केस में यूजर हेल्प टैब की हेल्प से उस फीचर को समझ सकता है या फिर किसी भी कमांड के लिए ब्राउज कर सकता है फाइनली वी फिनिश्ड

Woo!